स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज एंड यू आर वॉचिंग एनसीईआरटी जोन। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा कि हम कैसे प्रिपेयर करें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि साइंस के क्लास टेंथ साइंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास टेंथ सोशल साइंस के क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम कुछ मैप्स भी आपको देंगे, मैप्स के टॉपिक जिसको आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। आपका जो सोशल साइंस है क्लास टेंथ का, उसको चार सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, चार यूनिट में। पहला इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वन, इसका मतलब है आपका हिस्ट्री। दूसरा है कंटेम्प्रेरी इंडिया वन, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो टोटल चारों यूनिट्स को इक्वल मार्क्स दिया गया है, 20 मार्क्स पर यूनिट। तो ये कुल मिलाकर के 80 मार्क्स हो गए। चलिए आगे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो सबसे अच्छी बात जो इस एग्ज़ाम की होने वाली है इस बार की, कि आपको एग्ज़ाम्स में क्या होंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सामने उसका मार्क, जो भी मार्क्स हैं वो आपका दिया रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में आंसर करने हैं। अगर 1 मार्क के क्वेश्चन हैं तो 1 मार्क जितना ही लिखना है, 3 मार्क्स के हैं तो उससे ज़्यादा लिखना है, 5 मार्क्स से के हैं तो उससे भी ज़्यादा लिखना है। तो हर क्वेश्चन के सामने उसका जो मार्क्स होगा वो इंडिकेट किया होगा। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। 1 to 7 जो क्वेश्चन आपका होगा वो 1 मार्क का होगा, 8 to 18 होगा 3 मार्क्स का, एंड 19 to 25 होगा 5 मार्क्स का। टोटल आपका 26 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एक जो क्वेश्चन आएगा वो मैप से आएगा। टोटल मिला के 26 क्वेश्चन, उसमें से एक मैप का होगा। मैप में 26A और 26B से रहेगा, एक मैप हिस्ट्री से हो सकता है और दूसरा ज्योग्राफी से। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कंपलसरी होंगे लिखना। हाँ, अगर जिस क्वेश्चन में आपको चॉइस दिया हुआ है कि आपको एक या दो और करके दिया है, या तो एक करे या दो करे, तो उसमें से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपरेशन किया जाए सोशल साइंस का। तो चार टिप्स मैंने आपको दिए हैं। पहला है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, सब्जेक्ट वाइज करिए, चार यूनिट्स में डिवाइडेड है तो सबका करिए, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन पे करिए। आपको डिसाइड करना है खुद से कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सही है, कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा थोड़ा सा वीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। दूसरा टिप्स है प्रैक्टिस द मैप, जो भी मैप्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, तो मैप्स के कुछ टॉपिक्स मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे, तो मैप्स भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है यूज़ प्रॉपर शेड्यूल फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप दिन डिसाइड कर लो और उस दिन सिर्फ वही पढ़ो अच्छे से, और आंसर द क्वेश्चन कंसीडरिंग द रिस्पेक्टिव मार्क्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन का 1 मार्क जितना आंसर, 3 मार्क्स का 3 मार्क जितना, एंड 5 मार्क्स का 5 मार्क जितना। आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है Why had the Indian government put a barrier to foreign trade and foreign investment after independence? State any one reason? और ये जो question repeat हुए हैं आप देखिए 2011 में, 2015 में and 2016 में, कि Indian government ने barrier क्यों डाला foreign trade या foreign investment जो होते थे independence के बाद, उस पर barrier क्यों लगा दिया, क्या वजह थी। तो आंसर है द इंडियन गवर्नमेंट पुट अ बैरियर टू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, क्योंकि उस समय जो हमारे देश के अंदर के प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चर थे, उनकी स्थिति इतनी सही थी नहीं। रिसेंटली हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो रिसोर्सेज की कमी थी, काफ़ी कुछ लूट के ले गए थे अंग्रेज, और तो वो जब कंपटीशन होता बाहरी प्रोड्यूसर्स से, फॉरेनर्स से, हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स का, तो वो सामना नहीं कर पाते। तो हमारे जो इंटरनल प्रोड्यूसर्स थे, देश के मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बैरियर लगाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Why did Mahatma Gandhi decided to launch a nation-wide satyagraha against the proposed Rowlatt Act? Explain any three reasons. Rowlatt Act जो था उसके अगेंस्ट सत्याग्रह क्यों उन्होंने लॉन्च किया, क्यों देश भर में धरना दिया महात्मा गांधी ने? तो तीन रीजन्स आपके आंसर में दिए गए हैं. इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. गवर्नमेंट को उस समय जो गवर्नमेंट थी एकदम पावर था कि भाई वो कुछ भी कर सकते थे, बहुत ज़्यादा पावर था उनके पास, बिना रीज़न बताए ही जेल के अंदर डाल देते थे. अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, और 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं. इट वॉज़ द अनजस्ट लॉ, काफ़ी बेकार सा लॉ था, अनजस्टिस था, मतलब लोगों के साथ जस्टिस नहीं होता था, ये लॉ जस्टिस नहीं करता था. तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का ऐलान किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपल इन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट. नेपाली पीपल का जो स्ट्रगल था वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके लिए पूरे वर्ल्ड में. क्यों? द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपल इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. द ऑटोक्रैट्स डिसीजन ऑफ किंग ज्ञानेंद्र इन फेब्रुअरी 2015 रिजल्टेड इन अ प्रोटेस्ट बाई द पोलिटिकल पार्टीज एंड पीपल ऑफ नेपाल. Political parties having diverse ideology joined together and defied the curfew. The leaders rejected the half-hearted concessions by the king. Ultimately, the king was compelled to concede all the 3 demands made by the protesters. Hence, this struggle of Nepali, known as the Second Movement for Democracy, became a source of inspiration to the democrats all over the world. Next question is, Describe the conditions in which markets do not work in a fair manner. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 और 2012 में. कौन कौन से मार्केट कंडीशंस है जिस कंडीशन में फेयर काम नहीं कर पाता मार्केट, किन किन कंडीशंस में? आंसर है, व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल, जब कुछ ही प्रोड्यूसर्स हैं और काफ़ी पावरफुल है, पूरा मार्केट का बागडोर उनके हाथ में, तो वो मनमानी कर सकते हैं. व्हेन कंज्यूमर्स परचेज इन स्मॉल अमाउंट्स, व्हेन कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड, When large companies have a monopoly in production of goods as they have huge wealth and can manipulate the market in various ways, passing on false information through media and other source to attract consumers. Next question hai. In recent years, how our markets have been transformed? Explain with examples. Recent years mein hamara market kis tarike se transform hua hai, aapko example se samjhana hai. 2014, 13 and 15 mein ye question repeat ho chuka hai. आंसर है, देर इज़ अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस इन द मार्केट. हमारे सामने जो पहले चॉइसेस हुआ करते थे न के बराबर होते थे, हम चूज़ नहीं कर सकते थे कि हमें ये नहीं ये लेना है, हमारे पास वैरायटी नहीं होती थी. लेकिन धीरे धीरे हमारे पास वैरायटी होने लगी है, जैसे कि हम टीवी खरीदने जाते हैं तो हम सीधे जाके खरीद नहीं लेते, हम पहले डिसाइड करते हैं कि भाई LG का लेना है, सोनी का लेना है, सैमसंग का लेना है, किसका लेना है. ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो ये मार्केट ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसका एग्जांपल है. बिफोर अस इन द मार्केट द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच. एवरी सीजन्स न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स एंड द इंडियन आर बाइंग व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मेनी अदर गुड्स, फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविजन्स टू प्रोसेस्ड फूड्स फ्रूट जूसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एसेंशियल, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स टू कंजर्व देम. क्यों मिनरल रिसोर्स को कंजर्व करना ज़रूरी है और क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं? तो आंसर है, रीजन्स पहले देख लीजिए कंजर्वेशन के. द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल्स, जो इंडस्ट्रीज है काफ़ी और एग्रीकल्चर, ये मिनरल पे डिपेंडेंट है. द प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज स्लो, ऐसा है नहीं कि मिनरल जल्दी जल्दी बन जाता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है मिनरल बनने का, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है. दे आर नॉन रिन्यूएबल, एनी 2 पॉइंट्स टू बी एक्सप्लेन, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है. अब मेथड्स देख लीजिए कैसे हम कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं. मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन अ प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर, इस तरीके से यूज़ करिए कि प्लांट वे में यूज़ करिए, ऑप्टिमम आप यूटिलाइज़ कर सके मिनरल्स का, और सस्टेनेबल वे में करिए, ऐसा करिए कि आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन भी मिनरल्स को जान सके कि अच्छा भैया ये मिनरल्स ऐसा होता था या है. ठीक है, ऐसा नहीं वो सोचे कि मिनरल क्या होता था, कैसा होता था. इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ द यूज़ ऑफ लॉन्ग ग्रेड
ओर एट लो कॉस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, वेस्टेज इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग शुड बी मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी फाइव मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015, 18, 16 एंड 17 में। पॉलिटिकल पार्टीज के पांच मेजर फंक्शंस आपको बताने हैं। आंसर है, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ती है। दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज। पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। डिफीटेड पार्टीज इन द इलेक्शन प्ले इट्स रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। कि किस तरीके से जो प्रेशर ग्रुप्स है और मूवमेंट्स होते हैं उनका कैसा प्रभाव पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज पे। आंसर है, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर दियर गोल एंड एक्टिविटीज। दे ऑफ्टन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटीज। बिजनेस ग्रुप्स ऑफ्टन एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबीइस्ट्स। द प्रेशर ग्रुप्स आर ईदर फॉर्म्ड और लेड बाय द लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट्स इन केस द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स इज नॉट सो डायरेक्ट। तो एक एक पॉइंट इसमें है, समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट। कभी कभी होता क्या है कि मूवमेंट होते 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 कोई नई पार्टी बन जाती है। तो इसका बर्निंग एग्जाम्पल आपके सामने है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो अन्ना हजारे के साथ उन्होंने मूवमेंट करा था, उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी, और आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है ऐसे मूवमेंट्स का और प्रेशर ग्रुप्स का पॉलिटिकल पार्टीज पे या पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैलेस वेयर हेल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज इन 1920। 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2013 में, 15 में, 14 में, 11 में, 16 में एंड 12 में, और ये हुआ था कैलकाटा या कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स नेसेसरी। और ये आंसर मैंने नहीं दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यों फंक्शनल जो फंक्शनिंग है फॉर्मल सोर्सेज का, जिस जहाँ से हम लोन लेते हैं, इसका सुपरविजन क्यों ज़रूरी है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हो ची मिन ट्रेल बिकेम एडवांटेजियस टू वियतनामीज इन द वॉर अगेंस्ट द US। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। ओके, द आंसर इज द नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन वियतनाम। द कॉलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम बाय फ्रेंच ब्रॉट द पीपल ऑफ द कंट्री इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉलोनाइजर्स इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। वियतनामीज बिगेन रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेचर ऑफ द लॉस। नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस डेवलप्ड आउट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन। टीचर्स स्टूडेंट्स फॉट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। मेनी रिलीजियस मूवमेंट्स वर हॉस्टाइल टू द वेस्टर्न प्रेजेंस। डेवलपमेंट इन चाइना ऑल्सो इंस्पायर्ड वियतनामीज नेशनलिस्ट्स। वियतनामीज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज इन एसोसिएशन फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ द एंटी फ्रेंच इंडिपेंडेंस मूवमेंट चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन इन इंडिया। किस तरीके से इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उदय हुआ है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज सेल्फ रिलायंट एंड कम्प्लीट इन द वैल्यू चेन। आज पूरी तरीके से कम्प्लीट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 14% ये योगदान देती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुआ है लगभग 24.6%। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड GDP। जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन 4% के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्री चैलेंजेस डू यू फील आर बींग फेस्ड बाई पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। आपके ख्याल से क्या क्या वो चैलेंजेस है जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है। आंसर है, मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज फेस द चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन। सिटीजन्स हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ट्राइज देयर बेस्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स टू ऑल द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन, इंक्लूजन वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why had the Indian government put barriers to foreign trade and foreign investment after independence? Analyze the reasons.
रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्ट, क्यों हटा दिया गया बैरियर्स को? ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि क्यों लगाया गया था बैरियर को, ये क्वेश्चन है क्यों हटाया गया। बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर पार्शियली रिमूव्ड, गुड्स कुड बी इम्प्रूव्ड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली, फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हेयर, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। पहले हटाया गया था कि स्थिति सही नहीं थी तो भाई सामना नहीं कर पाते, जब स्थिति अच्छी हो गई तो फिर से हटा दिया गया कि चलो अब आप टक्कर लेके देखो कि कौन कितने पानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम, हाईलाइट एनी थ्री मेजर्स टू कंजर्व देम। क्या क्या कैसे कर सकते हैं कंजर्व हम पेट्रोलियम को और क्या क्या यूसेज है इसके। पेट्रोलियम इज द मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया, प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, प्रोवाइड्स लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, एनालाइज प्रोवाइड्स एन रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर दैन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छा माना जाता है। आंसर है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन वाइल नॉट इन अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, दे होल्ड रेगुलर इलेक्शंस वाइल नॉट इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दे हैव पोलिटिकल पार्टीज वाइल नॉट इन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दे गारंटी द राइट्स ऑफ सिटीजन्स वाइल नॉट इन अदर्स, सच गवर्नमेंट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, सच गवर्नमेंट अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज वाइल नॉट इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकॉनमी विद एग्जाम्पल्स। आंसर, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, जब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में आपस में एक दूसरे में बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं वैश्वीकरण, पूरे विश्व को एक धरातल पे ले आने की प्रक्रिया को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। रोल क्या है भाई मल्टीनेशनल कंपनीज की, बाई मोर फ्लो ऑफ मैन पावर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज, लेटेस्ट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स इन वियतनाम। आंसर इज, रोल ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स इन वियतनाम, रिलीजन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग कॉलोनियल कंट्रोल, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वे ऑफ रेजिस्टेंस इन वियतनाम, वियतनाम्स रिलीजियस बिलीव्स वर अ मिक्सचर ऑफ बुद्धिज्म एंड कन्फ्यूजनिज्म एंड लोकल प्रैक्टिसेस, क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच मिशनरीज, मेनी रिलीजियस मूवमेंट्स वर होस्टाइल टू द वेस्टर्न प्रेजेंस, द रिवोल्ट वॉज लेड बाय ऑफिशियल एट द इम्पीरियल कोर्ट एंगर्ड बाय द स्प्रेड ऑफ कैथोलिक चर्च एंड फ्रेंच पावर, फ्रेंच क्रश्ड द मूवमेंट बट अपराइजिंग सर्व्ड टू इंस्पायर अदर्स, स्कॉलर्स रिवोल्ट एंड हुआ हुआ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुआ हुआ आंदोलन और हुआ हुआ मूवमेंट, सॉरी, हाउ हैज़ फॉरेन ट्रेड बीन इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कैसे फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट कर रही है मार्केट्स को अलग अलग कंट्रीज के। फॉरेन ट्रेड इज इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, producers can sell their products in other markets located in other countries, it helps for expanding the choices of goods beyond domestic markets, it is a main channel connecting countries, highly helpful for extensive trade, the trading interest attracts various trading companies. Next question is, how do we feel the impact of globalization on our daily life? Answer is, globalization and greater competition among producers have been advantage to consumers. The greater choice before consumers, बहुत सारे choices आ जाते हैं consumers के पास. Availability of standard quality products at lower price, improvement in living standard, foreign investment have increased in many areas like cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, etc. The new job has been created. Several of the units have shut down, rendering many workers jobless. Globalization has also created insecurity of job. Next question is, name the state where Narora nuclear power plant is located. Answer is Uttar Pradesh. Why is the iron and steel industry
कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द की इंडस्ट्री एज वेल एज हैवी लाइट स्मॉल स्केल एज वेल एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर रॉ मटेरियल्स। आयरन एंड स्टील आर यूज टू मैन्युफैक्चर वराइटी ऑफ गुड्स लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफेंस अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, वायर्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट्सेट्रा। इट इज़ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्प्रूवमेंट्स मेड बाई द इंडियन रेलवेज इन इट्स फंक्शनिंग। इम्प्रूवमेंट्स मेड बाई द इंडियन रेलवेज इन इट्स फंक्शनिंग आर लिस्टेड बिलो। अर्लियर स्लीपर्स वर मेड ऑफ वुड बट नाउ सीमेंटेड स्लीपर्स हैव टेकन देयर प्लेस विच लास्ट लॉन्गर। स्टीम इंजिन हैव बीन रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रिकल एंड डीजल इंजिन्स। स्पेशल कंपार्टमेंट्स एंड ब्लॉगर्स हैव बीन एडेड फॉर डिसेबल्ड पीपल एंड वुमेन एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर आप पहले हम कर ही चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ नेपाल एंड बोलीविया। इन बोलीवियाज पॉपुलर स्ट्रगल द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द एस्पेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम बोलीवियाज स्ट्रगल व्हेन रीडिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट थ्रू मास मोबिलाइजेशन। आई एम इंस्पायर्ड by the popular participation and democratic conflicts through political organization when the right of people are underkept, people can force the government through popular participation. The political organization which helped in Bolivia's water war came to power in next elections. Thus, Bolivia's water war reflects mass mobilization helping mentality of political organizations and concerned individually of people of a citizen. Next question is globalization has been advantageous to consumers as well as to producers. Support with suitable examples. Answer is globalization and greater competition among producers have a greater advantage to consumers. The greater choice before consumers, availability of standard quality products at lower price, improvement in living standard. Foreign investment have increased in many areas like cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, etc. A new job has been created. Several of the units have shut down, rendering many workers jobless. Globalization has also created insecurity of job. Next question is, name the state where Kandla seaport is located. Answer is, Gujarat is a state. Next question is, name the place where the movement of indigo planters was started. Answer is, Champaran. Next question is, describe any four merits of road transportation. Answer is, four merits of air transport are listed below. It is comfortable and fastest means of transport. It provides access in माफ़ कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये रोड ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये टाइप हो गया गलत से, ये एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है? आपको एयर समझना है, रोड नहीं है, ये एयर ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है? तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, डिस्क्राइब एनी फोर मेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड आंसर नीचे है। इट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन नेचुरल कैलमिटीज। इट हैज़ हेल्प टू रीच द रीजन ऑफ डिफिकल्ट रग्ड रिलीफ स्पेशली नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। So this is not road transport, this will be air transportation. Next question is, which government body supervises the functioning of formal source of loans in India? The Reserve Bank of India supervises this functioning. Okay, next question is, explain any three effects of non-cooperation movements on the economy of India. Answer is, reasons for slowing down of non-cooperation movement, the Indians could not boycott for a long time because khadi cloth was more expensive than mass produced meal cloth and poor people could not afford to buy it. The boycott of British institution posed a problem as an alternative Indian institution had to set up so that they could be used in place of British ones. Students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts in the absence of alternate Indian institutions. Because at the time there were no any institutions of India, so
पीपल वर इन डिफ़िकल्टीज़, तो हुआ क्या कि काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट देखने को मिला। अगर इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते उस समय के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में, तो फिर बॉयकट आप कर सकते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आप सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब इंसान भूखा रहे तो वो कैसे किसी चीज़ को बॉयकट कर सकता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम आई लोगों को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द ट्रेड बैरियर, व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट पुट अप ट्रेड बैरियर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस क्वेश्चन हैज़ बिन डिस्कस्ड अर्लियर, सो हम अभी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डायनेस्टिक सक्सेशन इन अ मेजर चैलेंज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। देर थ्री चैलेंजेस फेस्ड बाई पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ डायनेस्टी सक्सेशन, द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। ऑफ्टन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी व्हेन केम बैक टू इंडिया इन Jan 1915 स्टार्टेड, इट इज़ अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, इट टूल्स आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अंडर दिस, इफ द कॉज वॉज ट्रू एंड स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, इट डिड नॉट रिक्वायर फोर्स टू विन बैटल ऑपरेसिव, दैट इज ही हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ रैदर यूजिंग फोर्स टू एक्सेप्ट इट। ही कंसिडर्ड दिस मेथड ऑफ अहिंसा टू ब्रिंग यूनिटी इन द इन दिस बैटल द ट्रूथ वॉज बाउंड टू ट्रम्फ, इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ एक्टिव रेजिस्टेंस, इट कॉल्स फॉर ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन टू शो लव हु इज अपियर्ड ही हैड टू बी दैट इज ही हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ रैदर यूजिंग फोर्स टू एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ बिन सीन एवरीवेयर, एक्सप्लेन एनी थ्री वैल्यूज़ दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आंसर इज, स्टेप्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज बाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया आर, एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाई आर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 times द क्वान्टिटी ऑफ फ्रेश वाटर, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई री यूजिंग द रिसाइकलिंग इट इन टू और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, पर्टिक्यूलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाई फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रॉनिक परसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इंटरशियल सेपरेशन। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर्स, ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशेंसी एंड रिड्यूस नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नोज नोन एज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। Government is known as responsive government. It is responsive to the needs and expectations of the citizens. Example, the Right to Information Act was passed by the Government of India in 2005. By this act, almost all the citizens can have the right to be informed about the goods and services they have bought. This act was passed with respect to need of the citizens. Thus, democratic government produces a responsive government where people can easily access the decision taken by it. This phenomenon is known as transparency. Next question is, so अब सारे के सारे क्वेश्चन अब क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मैप्स की जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपको लोकेट करना होगा इन मैप्स को, इन प्लेसेस को मैप्स पे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी मैप से रिलेटेड, वो है आयरन एंड स्टील प्लांट 2011, 12, 13, 14, 16, 18 में ये रिपीट हुआ है, सी पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आयरन एंड माइंस और आयरन माइका माइंस। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड मैप्स जो जो हैं, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, द प्लेस विच इज़ associated with the movement of indigo planters, name the place where cotton mill workers organized satyagraha, name the city where Jallianwala Bagh incident occurred। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड मैप टॉपिक्स थे।
कुछ और क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है, आपको खुद ढूंढ करके प्रिपेयर करना है. एक्सप्लेन एनी फाइव सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द रीजन अंडर हिज गवर्नमेंट अंडर हिज कंट्रोल. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी थ्री प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था. टोटल 43 के करीब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. मैप से रिलेटेड टॉपिक्स भी हमने देखे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन. कुछ 3-4 क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं दिए थे, तो आपको खुद प्रिपेयर करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने क्या क्या आंसर, किस तरीके से आंसर आपने ढूंढा. और आपका आंसर पढ़ के जो भी लोग कमेंट्स देखेंगे तो आपका आंसर पढ़ के उनको भी हेल्प मिलेगा. तो आज के लेसन में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू NCERT ज़ोन. थैंक यू.